तो मैंने इसका सीपीयू रिबॉल किया है क्या? बिल्कुल नहीं किया, ज्यादातर अक्सर लोग सीपीयू हीट हो जाए तो क्या रिबॉल करते हैं? बिल्कुल हिट हो रहा है, सीपीयू को उतार देते हैं। वो आ गया है यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए जो डिस्प्ले इसकी किस तरह से दिखाई देती है, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा। तो अभी ये देखिए, ये डिस्प्ले आ गई, तो झिलमिल होके बिल्कुल डिस्प्ले इस तरह की पहली आ जाती है। और दूसरी देखो सीपीयू के बाद, ये देखो ये मेल्ट होना चालू हो गया। यहाँ पर नोटिस कर रहे हो आप, ये देखो डिस्प्ले देखो। पहले इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं, उसको बनाते हैं, फिर उसको बाद में मैं आपको है ना, अगर आप वीडियो में पूरा रहेंगे तो मैं आपको ये आईसी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों को ये आईसी काफी एक मतलब प्रॉफिटेबल होगी। इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया कुछ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो खैर कर ही दिया होगा। लोगों में जैसे सेकंड लोगो आता था पूरा स्क्रीन फट जाती थी इसकी, फट जाती थी, लाइनिंग आ रही थी, इसके ग्राफिक्स पूरे फट जाते थे इसके। तो हमने तो सीपीयू रिबॉल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है ना। ये नॉलेज था हमारे पास, है ना, नॉलेज था, वही नॉलेज आपको बता रहे हैं कि आप इसको सीख के देख लो। ये ग्राफिक्स पूरा ओके, ठीक है, बैटरी कम है इसमें, यहाँ पर पूरा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। माय यूट्यूब फैमिली, कैसा आप सभी लोग, एक नया दिन, एक नया वीडियो, एक नया फॉल्ट, और ये फॉल्ट बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले राम राम जी, कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, एंड आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत सारा प्यार और आप दे रहे हैं। आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को, जितने भी नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं उनको बता रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं उनको बता रहा हूँ कि जो लोग ने सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और उसको है ना वापस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। क्योंकि क्या है ना दोस्तों, बहुत नोटिफिकेशन जो है ना हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है ना वो जा नहीं रहा है, तो हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको हमारा वीडियो नहीं मिल पा रहा है। अब देखो ना कितना अच्छा वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो है एक सिक्से का वीडियो है, और ये वीडियो में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। और इस वीडियो में ना सीपीयू हीटिंग हो रहा है, और अब ये मार्केट से आया है साहिर भाई जी, ये मार्केट से आया है, दुकानों से आया है जी। अभी किसी का नाम ले दे क्या इसमें? नहीं है, नहीं सर, हमको क्या मतलब है किसी का नाम ले दे? नहीं नहीं, हाँ हाँ, दुनिया लेती है? नहीं 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 साहिर, मुझे ये बताओ कौन है यूट्यूब में सबसे फेमस है? एक का नाम, उसका नाम ले देता हूँ कि भाई ये उससे आया है, अपन को व्यूअर मिल जाएंगे यार, क्या दिक्कत है, क्या छोड़ो, ये मजाक था। और दोस्तों मेरा नाम है देवदन अग्रवाल, आप देख रहे हैं इस देवदन अग्रवाल यूट्यूब चैनल, और हमारी मेहनत और हमारी जो लगन है वो हमारे आपको फेसबुक पे लाइव दिखेगी। कल से हमारी क्लासेस चालू हैं, तो प्लीज हमारी क्लास को वॉच कीजिए और डेली यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास एक सिक्से है, आप देख सकते हैं। तो इस फोन को अगर मैं बैटरी लगाऊं तो पहले मैं आपको दिखाऊं इसका सीपीयू, भाई इतना गर्म कर रहा है ना, मैं बता नहीं सकता, मैं आपको बताऊं दिखाऊंगा। तो ये देखिए, मैं इसको पहले ऑन करता हूं, और ऑन करने के बाद ये देखिए लोगो आ गया है यहां पर। उसके बाद आप देखिए जो डिस्प्ले इसकी किस तरह से दिखाई देती है, यहां पर नोटिस कीजिएगा। तो अभी ये देखिए, ये डिस्प्ले आ गई, तो झिलमिल होके बिल्कुल डिस्प्ले इस तरह की पहली आ जाती है। और दूसरी बात, अब जो सीपीयू है वो सीपीयू मैं आपको दिखाता हूं, तो पहले मैं ना फिर से इसको ऑन करता हूं, और यहां से आपको दिखाई दूंगा। ये देखिए यहां से, तो सीपीयू में थोड़ा सा रोजिंग लगा लेता हूं, ताकि जो सीपीयू इतना गर्म हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हीटिंग तो मैं आपको चेक करवा नहीं सकता, और थर्मल कैमरा अभी मेरे पास है नहीं है, वो इंस्टीट्यूट में है। देखिए, तो सीपीयू के ऊपर मैंने एक रोजिंग लगा लिया है। ये देखिए, अब मैं वापस से फोन को ऑन करूंगा। तो देखिए, मैंने बैटरी लगाई है, और अभी मैंने पावर की नहीं दबाई है, आप नोटिस कीजिए, बैटरी लगाई है, पावर की नहीं दबाई है। और अभी आप रोजिंग देखेंगे, तो रोजिंग में देखिए अभी भी रोजिंग लगा हुआ है सीपीयू के ऊपर, मीडियाटेक का सीपीयू है इसमें। और अब मैं ऑन करता हूँ, तो देखिए ऑन हो गया है, सेम अपने ही वो डिस्प्ले पे चला जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर, और ये सीपीयू अभी जो मेल्ट होना चालू होगा ऑन होने के बाद, तो वो तबीयत से मेल्ट होता है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और
देखो सीपीयू के बाद ये देखो, ये देखो ये देखो, ये मेल्ट होना चालू हो गया यहाँ पर, नोटिस कर रहे हो आप? ये देखो डिस्प्ले देखो और सीपीयू देखो कैसा मेल्ट हो गया, ये देखो। तो भाई ज़्यादातर अक्सर लोग क्या काम करते हैं, दुकान वाले सीपीयू को रिबॉल करते हैं या फिर ऐसे टाइम पे वो बहुत दिमाग उनके रहता है कि भाई सर सीपीयू हीट कर रहा है क्या करें, फोन चालू है, बैटरी ड्रेन हो रही है क्या करें, फोन चालू है। तो ये सारी चीजें यार पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा मीडियाटेक का बूट सीक्वेंस भी बताने की कोशिश की है और ये चीज मैंने डायग्राम से बताने की कोशिश की है और यहाँ पे कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाए हुए हैं तो उसको भी मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो में बने रहे क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपने ये वीडियो इस तरीके से हमारी नॉलेज की तरीके से कहीं देखा होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट को सिखाने के लिए ना आपको उसके जैसा उसके जो उसको समझ में आए उस हिसाब से उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो उसको मैं कैसा भी प्रेजेंट कर सकता हूं बट समझ में नहीं आएगा तो कोई फर्क मतलब निकलेगा क्या, बताओ साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी हिंदुस्तान में एसर टेलीकॉम का बहुत नाम है दोस्तों और बहुत ही आपने अगर एसर टेलीकॉम का नाम सुना है तो हमारे स्टूडेंट के फीडबैक की वजह से, हमारे फीडबैक की वजह से और हमारी जो एनर्जी है उसकी वजह से। बाकी आप एसर टेलीकॉम को अगर आना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कीजिए। हमारी जो बैचेस हैं इस महीने का तो बैच भर गया है, अगले महीने का बैचेस क्या है हमारे? अगले महीने जुलाई, जुलाई जुलाई पूरा फुल हो गया है, जुलाई बैच लगने को तैयार है, स्टूडेंट आके बैठ चुके हैं, कल क्लास है और क्लास के बाद हमारी बुकिंग हो रही है अगस्त मंथ की। ठीक है, तो आप देखिए इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, बहुत बड़ा ये वीडियो हम होने नहीं देंगे क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकली है। आप देखिए यहाँ पर, तो मैं पहले यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे साहिब भाई क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर? ये सर ये रोजिन लगाया था और रोजिन पूरा पिघल गया है। हाँ, तो मतलब अक्सर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सीपीयू शॉर्ट हो चुका है, बराबर है, सीपीयू खत्म हो गया है या बोर्ड खराब हो गया, ऐसे ही कुछ बराबर है, कहीं और कहीं ध्यान जा रहा होगा सीपीयू से रिलेटेड कहीं पर? बिल्कुल नहीं जा रहा होगा क्योंकि कहीं और तो कोई आईसी हीट हो नहीं रही है ना, और आप देखो तो ईएमसी पे कहीं पे भी हीटिंग नहीं है, पावर पे कहीं पे हीटिंग नहीं है, पावर भी देखो हीट हो रहा है इतना, बराबर पावर भी, अभी पावर भी चेंज कर ले, नहीं हुआ तो फिर साहिब भाई क्या करेंगे, सीपीयू रिबॉल करेंगे तो इसमें तो एक दो तीन चार घंटे लग जाएंगे, मतलब जितना भी लग जाए एक नॉर्मल आदमी चलो ये कितना कर देगा, 15 मिनट में कर देगा, बराबर है, और अच्छा जो होगा वो 10 मिनट में कर देगा और मदारी कर देगा 5 मिनट में है ना। तो भाई ये सारी चीजें तो, बट सही नॉलेज क्या है, सही नॉलेज मतलब बोर्ड का देखने का नजरिया, बराबर ये बदलवा ये बदलना है कि नहीं बदल, आपको अपने बोर्ड का नहीं देखने का नजरिया बदलना है ना तो इससे टेलीकॉम को ज्वाइन करना भाई। अब देखो तो पहला ना आई डायग्नोस किया तो यहाँ पे मैं आई डायग्नोस दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ये नोटिस किया कि पतरे कहाँ कहाँ के उतरे हैं, तो आप इसको नोटिस कीजिए, ये देखिए आप इसको नोटिस कीजिए कि यहाँ पर है ना पूरा नेटवर्क सेक्शन का पतरा उतरा है, मतलब यहाँ पर भी हीट लगी है, यहाँ पर भी, मतलब किसी ने इसका नेटवर्क सेक्शन पे काम किया है ना, किसी ने इस पे नेटवर्क सेक्शन पे काम किया होगा और ये सेट को इस तरह से ले आया होगा, क्यों? बराबर है। तो पर नेटवर्क सेक्शन के पीछे तो भाई सिम कनेक्टर लगा हुआ है, वहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं है, बट सीपीयू क्यों हीट हो रहा है? तो आप देखिए कि हो सकता है कि नेटवर्क सेक्शन में काम करते समय ये सेट बेसिकली डेड कंडीशन पे ले आए हो, और टेक्नीशियन ज्यादातर डेड कंडीशन में क्या करते हैं साहिब भाई? डेड कंडीशन में बस ये हिट मारना, शॉर्टिंग निकालना, शॉर्ट किलर लगाना, शॉर्टिंग शॉर्ट किलर लगाना। और कॉम्पोनेंट को कैसे निकालते हैं? ट्वीजर से, ट्वीजर से। तो मैंने नोटिस किया और हमेशा है ना ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये वीडियो में सोल्यूशन है आपको देखेगा, आप अगर सेट को डायग्नोस करेंगे अगर आपको कहीं कंपोनेंट निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ट्वीजर वाले तो आप समझो कि कहीं ना कहीं शॉर्टिंग की वजह से, अदरवाइज तो कंपोनेंट ऐसे निकलता नहीं है, निकलता है क्या? बराबर नहीं निकलता। तो आप पहले देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट नहीं निकले हैं, यहाँ पर तो केवल आईसीयू आईसीयू पे या तो हीट दी है या तो इनको चेंज करने की कोशिश की है, काम बहुत गंदा है ये तो भाई दिख रहा है क्योंकि पेस्ट अभी भी लगा हुआ है ना, हमने तो जैसा था वैसे लिया है भाई, हम क्या बोले, हम कोई कुरियर वुरियर का पता है ये सब तो हम दे नहीं सकते क्योंकि अभी है नहीं हमारे हाथ में, कि दो पीएफओ लगी हुई है और ये आपका आरएफ लगा हुआ है, ये पतरा है आपका जिसके अंदर आपका वाईफाई सेक्शन है। दोस्तों मैंने आई डायग्नोस किया कि ये भी देखिए पतरा निकला हुआ है, जनरली पतरे निकलने की वजह से भी हो सकता है पर हीटिंग इसकी वजह से नहीं हो सकती है, इसकी वजह से फोन डेड हो सकता है। अब रीजन क्या है कि ये जो कॉम्पोनेंट है ना ये लाइनों के साथ भी सिग्नल और कुछ वोल्टेज भेजते हैं कि अगर इस ये निकल जाने के कारण इनके ट्रैक कट जाते हैं, खैर
तो यहाँ पर ये लाइट सेक्शन है इसका, यहाँ इसका ये आपका ग्राफिक्स सेक्शन है, क्योंकि ये ग्राफिक्स का ही फॉल्ट है। तो मैं ग्राफिक्स को पहले इसको देख रहा था, बट मैंने सोचा कि यार अभी किस किस आईसी में काम करें, कहाँ कहाँ पलटा है, तो इसको पहले अच्छे से अगर डायग्नोस कर। देखो यहाँ पे लाइट का भी काम हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत काम हो चुका है लाइट का, आप काम देख रहे होंगे। बाकी आप और नोटिस करेंगे तो देखो यहाँ पर ना क्या दिखाई दे रहा है साहिब भाई, आप बताइए। यहाँ पर बराबर है, कंपोनेंट निकले हुए हैं सर, यहाँ पर कंपोनेंट निकले हुए हैं, यहाँ पर देखो बिल्कुल बहुत सारे कंपोनेंट निकले हुए हैं यहाँ पर। ये क्यों निकाले होंगे लोगों ने? शॉर्ट शॉर्टिंग गई होगी, उसको निकाल दिया होगा, लाइन कभी देखी नहीं होगी इन्होंने। हाँ तो होता ना। अब पर यार ये तो मेरे ख्याल से कौन से कंपोनेंट है, ये तो झुंड लग रहा है कैपेसिटर्स का। अगर बराबर मेरे है, स्टूडेंट देख रहे होंगे तो वो झुंड जानते होंगे कैपेसिटर बराबर का, है। ये झुंड किसका होता है? ये जीपीयू का होता है, जीपीयू मतलब सीपीयू सीपीयू मतलब का। बेसिकली हाँ हाँ होता सीपीयू का ही है, उसके अंदर किस पार्ट का होता है ये तो बहुत आप इंटरनली चले गए। सो यहाँ पर ये आपके बेसिकली इनको बक कैपेसिटर बोलते हैं, जी सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, बक कैपेसिटर्स है। और बक कैपेसिटर में तो शायद भाई बहुत सारे कैपेसिटर में तो वैसे ही शॉर्ट दिखाता है। हाँ बराबर है। तो क्या हम एक, तो ये तो कोई अनाड़ी था मेरे ख्याल से जितने भी किया होगा। बट यार मैं ये बोलता हूँ कि अब देखो यूट्यूब से देख देख कर ही बनाया होगा, तो सोचा होगा कि कोई कैपेसिटर होगा, और कोई नॉलेज तो मिल नहीं सकता है। हाँ बराबर है। क्योंकि ये लोग इंस्टीट्यूट क्लास तो जाना नहीं चाहते हैं, घर बैठे या ऑनलाइन कोर्स या लेना चाहते हैं, या तो 6 महीने वाला इंस्टीट्यूट या तो फिर सस्ते वाला। क्यों साहिब भाई बिल्कुल, वो जो ऑनलाइन पे जो भी मोबाइल रिपेयर पे आता है सीधे उसको ऑनलाइन पे अभी मॉडल नंबर सस्ते सर्च सस्ते करके सस्ते सस्ते के चक्कर में क्या होता है? के चक्कर में वो क्या होता है कि जिंदगी परेशान हो जाती है उनकी, उनको लगता है कि सस्ते ये दुनिया खत्म है इसके ऊपर, जबकि उन्होंने ये नहीं देखा है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, अच्छी फीस भरना है और अच्छे से काम सीखना है। तो चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, हमने कंपोनेंट को तो वापस लगाना है क्योंकि ये हमारे कैपेसिटर हैं सीपीयू के, और ये फोन तो फिलहाल शॉर्ट नहीं है, और सो अभी उनका क्या कैसे क्या शॉर्टिंग निकल गया होगा ये पता नहीं, राम जाने। तो फोन इसी कंडीशन में आया था, पर यार एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसके पास ना और भी कंपोनेंट निकले, और यहाँ तक जहां तक मैं ये आईसी देख रहा हूँ मीडियाटेक में 8 लाख की आईसी तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट यार। अगर 8 लाख की आईसी एक बकवाई के साथ लगी है तो समझो कि वो एक मैटर करता है, वहां के कंपोनेंट निकलने नहीं चाहिए। तो मैं आपको इसको ना डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ, आओ थोड़ा देखिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ना इसका डायग्राम ओपन करेंगे, ये देखिए। तो क्योंकि बक कैपेसिटर तो मैं लगा दूंगा उसमें कोई वो नहीं है, कैपेसिटर तो ये सारे मैं लगा दूंगा। ये देखो ये जो आईसी के आसपास भी बहुत सारे कंपोनेंट निकले हुए हैं, और ये आईसी है आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा बल्क फॉर VS2, देख रहे होंगे यहाँ पे। तो जो रजिस्टर लगा है वो NF है, इसका मतलब वो रजिस्टर नहीं है। सो बेसिकली ये जो वोल्टेज है ये हमारे एक वोल्टेज होता है 1.2 को जनरेट करने के लिए वोल्टेज है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप देखें फिर से, आप इसको अच्छे से देखिए। देखिए इस आईसी पे यहाँ पर हमको 1.3 वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि इसकी 6 नंबर की लाइन है जिसपे कॉयल है, मतलब कॉयल पे भी चेक कर सकते हैं और 6 नंबर पे भी चेक कर सकते हैं। आओ पहले मैं चेक करके दिखाता हूँ। देखो मैं क्यों गया उस पर, क्योंकि मैंने यहाँ इसको थोड़ा डायग्नोस किया, मैंने बोला इसके कुछ कॉम्पोनेंट निकले हैं। तो देखो मैंने से चार्जर मतलब FPC कनेक्टर और यहाँ पर ये लगा के रखा है, कुछ नहीं लगाया है। अब मैं यहाँ पर देखो चार्जर लगाया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस वोल्टेज को चेक करूंगा, तो इसकी 6 नंबर की लाइन पे चेक करूंगा। तो देखो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमको 1.4 वोल्टेज एक स्टेबल आने चाहिए। नोटिस कीजिए आप सभी लोग वोल्टेज और उसके साथ में, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 1.4 से ज्यादा आ रहे हैं ना साहब, 1.6 MD सर, हाँ 1.7, तो जबकि इतने आने नहीं चाहिए, बराबर है। और ये देखो ये वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, अब ये यहाँ पर जाने के बाद वापस 1 वोल्टेज आ जाएंगे, 2.2 2.3, ये देखो 1 वोल्टेज आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये आईसी सही तरीके से आउटपुट नहीं दे रही है, क्योंकि दोस्तों क्या है कि इस वोल्टेज की हम बात करेंगे तो ये वोल्टेज है ना बेसिकली एक EN सिग्नल का काम कर रही है इस रजिस्टर से होके, जो कि VS2 PMU को जा रहा है। और VS2 PMU की बात करेंगे तो ये हमारा एक आईसी है, मैं आपको VS2 PMU बताता हूँ यहाँ पर। अब देखो ये सर्च नहीं हो रहा है तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखाता हूँ, हमारा CPU के पास एक आईसी है, ये देखो VA12, ये एक LDO वोल्टेज निकालता है, LDO फॉर VA12 इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है।
वो इनपुट वोल्टेज हमारे इस VS2 PMU से आ रहा है। मतलब जब तक इस IC को इससे एक स्टेबल वोल्टेज नहीं मिलेगा, ये IC आउटपुट में इतने वोल्टेज बना के नहीं देगी, एक 1.2। सो अगर हम इस 1.2 की वोल्टेज की बात करेंगे तो ये हमारे को इस कैपेसिटर में मिलना चाहिए, और जहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर भी लगा हुआ है, बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते इसको। ये देखिए 1.1 और यहाँ पे दिखाइए, देखिए ये 1.1 और ये देखिए ये अप डाउन हो रहा है, ये देखिए अप डाउन हो रहा है, बन रहा जीरो पे जा रहा है, बन रहा जीरो पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वोल्टेज ही स्टेबल नहीं है तो कैसे चलेगा, तो वोल्टेज स्टेबल क्यों नहीं है। सो चलो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और कोशिश करते हैं कि विदाउट CPU निकाले पावर निकाले कैसे बनाए कैसे बनाए। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि हमारा जो VS2 की लाइन है वो फ्लक्चुएट कर रही है और वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, एकदम 2 वोल्टेज तक जा रहे हैं जबकि उसके वोल्टेज 1.4 होने चाहिए। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आपको उस वोल्टेज की लाइन पे मैं पहले आपको ले चलता हूँ। देखिए वहाँ पे क्योंकि अगर वोल्टेज नहीं आते तो हम IC के इनपुट पे काम करते हैं, पर क्योंकि वोल्टेज आ रहे हैं इसका मतलब हमारा जो इन है वो बिल्कुल ओके है, और जो इसका इन है वो हमारा यहाँ पर VS/YS है। अब हम बात करेंगे IC पर, बेसिकली दोस्तों जो आउटपुट है एक बक कॉइल के थ्रू है, पर 1.8 वोल्टेज फ्लक्चुएशन का रीज़न ये है इसके डिवाइडर रजिस्टर, इसके डिवाइडर रजिस्टर के बेसिकली यहाँ पे 0.6 वोल्टेज इस पेन नंबर 2 को फीडबैक मिलना चाहिए, और जब तक ये इसको नहीं मिलेगा तो ये वोल्टेज आपके स्टेबल नहीं होंगे, ये बात आपको मानना पड़ेगी। और आपके अगर ये रजिस्टर भी निकलता है तो जैसे सपोज इसको ग्राउंड नहीं मिला तो भी आपका फ़ोन आपका कई बार ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है कि डेड भी हो सकता है, सो ये आपको दिमाग में रखनी है। तो अभी फिलहाल हम ये रजिस्टर देखेंगे, तो ये रजिस्टर कहाँ लगे हुए हैं, तो आप देखिए रजिस्टर है ना बिल्कुल जहाँ पे कॉम्पोनेंट निकले हुए हैं वहाँ उस साइड लगे हुए हैं। अगर मैं आपको ये रजिस्टर दिखाऊं, क्योंकि जो एक टेक्नीशियन है ज़्यादा से ज़्यादा एक ICO पर काम कर सकता है, पर नॉलेज तो उसको बेसिकली सर्किट के साथ ही उसको आना है, और दोनों ही चीज़ होना चाहिए। ये देखो ये एक रजिस्टर ये लगा हुआ है और एक रजिस्टर ये लगा हुआ है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर मैं इस रजिस्टर की बात करूँ दो बड़े कैपेसिटर के साथ, तो यहाँ पर दिखाइए, तो देखो इन दो बड़े कैपेसिटर के साथ मैंने यही नोटिस किया कि यहाँ पे इन्होंने रजिस्टर भी निकाल के रखा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ कैपेसिटर है जिसमें यहाँ पे भी, मतलब बेसिकली वो रीज़न ये हुआ होगा कि लगे होंगे निकालने में, तो कुछ पता नहीं क्या है टेक्नीशियन से निकल गए हैं, तो बेसिकली यही रीज़न है कि ये फ़ोन में दो हो रहे हैं, एक तो फ़ोन पूरा चालू नहीं हो रहा है, दूसरा आपका फ़ोन का जो ग्राफिक्स है वो आपका चेंज हो जा रहा है और एक लाइनिंग आ रही है और ग्राफिक्स इसमें कलर्स जैसे कि आप देख रहे हैं डुअल TL, मतलब बहुत सारे कलर्स कॉम और एक रैम्बो जैसा बन रहा है। सो और CPU हीट करने की वजह यह है दोस्तों, CPU तो रिवॉल्व होता ही है नो डाउट, बट CPU के बक लाइन के जो कैपेसिटर होते हैं ये बेसिकली CPU को हीट करने से बचाते हैं, क्योंकि ये बक कैपेसिटर्स होते हैं, ये CPU के साथ लगे होते हैं, जो भी CPU को बक वोल्टेज मिलता है उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए लगे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम है ना इसके है ना पहले इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं, उसको बनाते हैं, फिर उसको बाद में मैं आपको है ना, अगर आप वीडियो में पूरा रहेंगे तो मैं आपको ये IC थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आप लोगों को ये IC काफी एक मतलब प्रॉफिटेबल होगी, इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा नया कुछ, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो खैर कर ही दिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर है ना कॉम्पोनेंट हम लगा देंगे, जो बक कैपेसिटर निकले हुए हैं वो रजिस्टर है, तो वो हमें लगाने पड़ेंगे, हमें CPU रिवॉल्व नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए CPU वैसे की वैसे ही है, आप देख सकते हैं CPU अभी हमने बिल्कुल CPU को छेड़ा नहीं और CPU को रिवॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जहां जहां कंपोनेंट निकले हैं, और ये देखो एक दूसरे बोर्ड से निकालेंगे इसको, हाल फिलहाल में मैंने स्वैपिंग किया था तो ये स्वैपिंग के लिए था एक, और मतलब बहुत ही गंदा काम था, यहां पर भी आप देख सकते हैं पूरे बोर्ड में। तो फिलहाल इसी से देखिए यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो हमें ये दो कैपेसिटर फिर एक ये रजिस्टर, फिलहाल ये रजिस्टर, और साथ में यहां पे भी हम देखेंगे ये कैपेसिटर निकला हुआ है, और उसके साथ में ये रजिस्टर यहां से निकला, इतने तो कंपोनेंट लगा ही देते हैं।
सर कल से हमारी क्लासेस चालू हैं, बताइए तो उसके बारे में क्या देने वाले हैं तो क्लासेस में। कल हमारी होती है बेसिकली काउंसलिंग क्लास होती है कल, ये हमारी मेन क्लास नहीं होती है, काउंसलिंग क्लास होती है। लोग तारीख निर्धारित कर देते हैं बाकी काउंसलिंग नहीं देते। काउंसलिंग क्लास में ये हमको इसको मालूम पड़ता है स्टूडेंट को कि उसके प्रोटोकॉल क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, कितनी तारीख को आना है, कितनी तारीख को जाना है, क्या समय को आना है, क्या समय को जाना है, एशिया टेलीकॉम में पढ़ने के प्रोटोकॉल क्या होते हैं, उसको बैठने का तरीके से लेके खाने का क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, टूल्स का क्या क्या महत्व है, सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी और उसको एंड तक का सिलेबस मिलेगा। उस सिलेबस के बाहर पूरा नॉलेज होगा उस सिलेबस का उसको, और उस उसी के अंदर पूछा भी जाएगा उससे कि ये जो मेरा पढ़ाया हुआ मेरा बताया गया सिलेबस है उसके अंदर आपको समझ में आता है क्या, अगर नहीं समझ में आता है तो आप घर जा सकते हैं। इस तरह से डेमो क्लास दे देंगे? डेमो क्लास तो नहीं बोल सकते सर, हमको आवश्यकता ही नहीं है डेमो क्लास देने की, पर बाकी ये है कि स्टूडेंट को लगता है कि डेमो क्लास है। डेमो क्लास के बारे में बताइए क्या हो रहा है डेमो क्लास के नाम डेमो पर? क्लास के बारे में ये हो रहा है भोकाली हो रही है एक प्रकार की, जितना अपना बेस्ट है वो सारा का सारा बेस्ट निकाल के स्टूडेंट के दिमाग में डाल देते हैं कि हाँ ठीक है तुम ये ऐसे आईसी रिवॉल होती है, ये होता है, वैसा होता है, सीपीयू चालू होता है, चालू मोबाइल को निकाल के बता देंगे स्टूडेंट को और उसको फिर बिठा लेंगे, और उसके जो बाकी के 3 दिन के बाद जितने भी फ्लॉप डे जाते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ये सब चीजें होती है उसके अंदर। कुल मिला के एक सम्मोहन का काम होता है डेमो क्लास के नाम पे, एक तरीका हेप्लोटाइज कर लेते हैं स्टूडेंट को और उसके बाद फिर उसको खेला जाता है उसकी फीस के साथ। और हमारे पास ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, अगर हमको जज करना है हमारे लाइव वीडियो में जाए, हमारे स्टूडेंट के डायरेक्ट नंबर दिए आप उस पर फ़ोन करें और स्टूडेंट के फ़ोन करने के बाद स्टूडेंट से जाएं पहले बात करें, बात करने के बाद हमको वापस आएँ क्योंकि हमारा काम ही हमको रिप्रेजेंट करता है कोई भी इंसान की। देखो यहाँ पे ये रजिस्टर जो दो निकले हुए हैं, ये रजिस्टर में मैं और एक बक कैपेसिटर लगाना चाहता हूँ क्योंकि अगर इसके बाद भी सीपीयू हीट करता है तो सीपीयू को रिबॉल करेंगे नो डाउट। तो सबसे पहले एक एक करके कंपोनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद में एक बार में लगाते हैं। बताइए तो हमको किसी एडवर्टाइजमेंट का या किसी चीज़ का मोहताज नहीं, हमारा स्टूडेंट हमारा खुद एक एडवर्टाइजमेंट होता है हमारा, और आप उससे किसी भी इंस्टीट्यूट में। और जो वीडियो डले हुए हैं उनके बारे में क्या बोलेंगे, जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा टेलीकॉम ऐसा है वैसा है? सर वीडियो के वीडियो... तो जिनके वीडियो डले हैं वो तो खुद ही नहीं वीडियो डिलीट कर दिया लोगों ने, बस उठा उठा के अपने अपने चैनलों पर डाल रहे हैं और निगेटिव दिखाने के लिए, उसके लिए क्या बोलेंगे आप? नेगेटिव वीडियो के लिए सर मैं यही बोलूंगा वो भी 5,000 में से एक, और वही दो चला रहे हैं, 2-3 साल से एक ही वीडियो चला रहे हैं, 2-3 सालों से एक वीडियो चला रहे हैं उसके अंदर, और वो उस वीडियो को कर रहे हैं जिसका कोई सिर और पैर ही नहीं है, सिर पैर नहीं है, है ना। तो देखो दोस्तों आज एशिया टेलीकॉम है, कल आप भी तरक्की करते हैं तो आपके भी दुश्मन इस तरीके से खड़े हो जाएंगे जैसे अभी एशिया टेलीकॉम के वीडियो खड़े हैं। जो भी ये वीडियो डाल रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि कल को आपके भी ऐसे दुश्मन खड़े हो सकते हैं, ये चीज दिमाग में रखिए आप अपने। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, तरक्की के साथ साथ ये सब चीज़ें आती है, है ना। हमारा बेस्ट आउटपुट है, हमारा बेस्ट आउटपुट है, बेस्ट रिजल्ट है, हमारे स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाई है, हम स्टूडेंट को बैकअप क्लास देते हैं, हम स्टूडेंट को एंड तक नहीं छोड़ते हम स्टूडेंट को। कोई फ्रेशर स्टूडेंट होता है, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट होता है, उसको एंड तक लेके जाते हैं, जब तक उसके अंदर वो प्राइम लेवल पे काम नहीं करने लग जाता है, बढ़िया तरीके से सेट नहीं बनाने लग जाता है, जब तक हम उसको छोड़ते नहीं है। पढ़ाते हैं, दो टीचर ऑलवेज आपको बैकअप देते हैं, 2 से 3 टीचर आपको ऑलवेज बैकअप देते हैं, 2 क्लासेस लेते हैं बाकी बैकअप देते हैं, और कोई सा भी हमारी कोई भी ग्रुप होता है या पोस्ट होती है तो वो 1 घंटे या 1.5 घंटे में कभी भी टिमटिमाता नहीं है उसके अंदर, कोई भी नोटिफिकेशन पेंडिंग नहीं रहता उसके अंदर। और हम अपनी सफाई इसलिए नहीं देते दोस्तों क्योंकि किसी को रिप्लाई देने का कोई मतलब नहीं है, जो जिनको जो करना है वो करते हैं, और जो रहता है ना कर्मा, जो जिसके लिए करेगा वो आगे जाके उसको मिलने आया है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसी करनी वैसी भरनी होती है, जैसा आप अगर किसी के लिए आप गड्ढा खोदोगे तो आप उस गड्ढे में आप भी गिरोगे, ये फैक्ट है और इसका रिजल्ट आपके इस्लाम में क्या है इसमें। उसका सर इस्लाम में भी यही है, जो जो सनातन धर्म में बोला है वही इस्लाम में भी बोला है, कोई फर्क नहीं है। सनातन धर्म में बोला है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, है ना। तो और इस्लाम में भी यही लिखा है, कुरान में भी यही लिखा है कि अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हो तो उसके अंदर आप भी गिरोगे, इस चीज़ की गारंटी है। सही बात है। तो
देखिए दोस्तों, मैंने क्या है अभी, है ना, ये मेरी आदत ही है, मैं ना हमेशा एक साथ सारे कंपोनेंट इकट्ठे लगा देता हूँ कि मैं बार बार का क्या झंझट लेंगे एक एक करके। एक बार में हीट दे रहे हो तो एक ही बार में सारे लगा दो कि एयर कम रखो। तो देखो यहाँ पर मैंने ये दो कैपेसिटर, ये रजिस्टर, ये दो रजिस्टर और एक कैपेसिटर, तो फिलहाल मैंने ये लगा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये सारे कंपोनेंट लग गए हैं, कुछ एक दो और में सोएंगे तो वो भी लगा देते हैं, क्योंकि पूरे पूरे बक बोल्ट बक कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई हो सकता है उससे नहीं हुआ तो उसे सीपीयू करना ही पड़ेगा, नो डाउट। बट हमारे को फ़ोन पूरा ऑन करना है और ये हमारे को लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम सीपीयू कर लेंगे और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो बेमतलब का टाइम वेस्ट है। तो पहले तो हमें कंपोनेंट और सर्किट पर ध्यान देना है। तो इसमें और कहाँ से कंपोनेंट निकले हैं एक बार मैं इसको और टैली कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, 1 2 और ये 3 और ये एक और 4 और ये एक और, तो ये कंपोनेंट और बस छोटे छोटे बचे हुए हैं लास्ट, फिर मैं इसको चेक कर लेंगे। तो ये तो कहीं भी, ये तो सारे एक जैसे ही हैं सारे बक कैपेसिटर, तो उसको इकट्ठा ले लेता हूँ मैं। ये देखिए इकट्ठा ले लिया मैंने, अब यहाँ पर एक एक करके वो सारे कंपोनेंट में रख देता हूँ। देखिए 4 कैपेसिटर है, चारों को अलग कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अब एक कैपेसिटर यहाँ लगाएंगे, एक इसके नीचे, एक कैपेसिटर साइड में लगाएंगे, और एक नीचे लगा देंगे। फिलहाल इतने कैपेसिटर से काम करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये कैपेसिटर चुपके दिखाई दे रहे होंगे, पर जब हीट लगेगी तो ये कैपेसिटर अलग हो जाएंगे। क्योंकि मैं बोर्ड को जितना कम हीट है उतना देना चाहता हूं। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं पहले से थोड़ा इम्प्रूव है, और हमने कैपेसिटर हमारे इतने लगा दिए। अब पहले इनका रिजल्ट देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है।
पैन से ठंडा कर लेंगे। सबसे ज्यादा जो फॉल्ट आता है वो एमएमसी का आता है दोस्तों। अच्छा ये वाइड ब्लिंकिंग कर रही है, तो पहले इसको सारे वोल्टेज चेक करके ही एमएमसी पे काम कीजिएगा, सीधे एमएमसी पे काम मत कीजिएगा। तो देखिए पहले और अब के में बहुत अंतर है। सारे कंपोनेंट लगा दिए हमने यहाँ पर, बस एक आध कंपोनेंट होगा जो बचा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दिखाइए थोड़ा जूम करके, तो देखिए दोस्तों हमने क्या क्या किया, क्या फॉल्ट था। एमडी सर बताएं इसमें क्या फॉल्ट है। इसके अंदर जैसे हम मोबाइल चालू कर रहे थे, सबसे पहले हमारी पीसीबी सीपीयू पूरा हिट कर रहा था, लोगो आ रहा था, लोगो की स्क्रीन पूरा आरबीआई पूरा का पूरा फट रहा था। इसका ग्राफिक्स पूरा फट रहे थे, लोगो पूरा डिजाइन हो रहा था उसका, लोगो फोन ऑन नहीं हो रहा था, बुरी तरीके से गर्म हो रहा था। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर पीछे सीपीयू भी दिखा दो इनको, यही सेम है। और फिर से पीसीबी दिखा देता हूँ, देखिए ठीक है। और आप आई होप कि आपने ये नंबर भी सारे पढ़े होंगे एग्जैक्टली, बाकी ये देखिए। तो ये और थोड़ा सा जूम करके दिखा दो इनको, ये देखो ये सारे कैपेसिटर जो अभी मैंने इसमें लगाए हैं, और कुछ अभी भी यहाँ पे एक दो हैं जो उखड़े हुए हैं। तो मैंने इसका सीपीयू रिबॉल किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। ज्यादातर अक्सर लोग सीपीयू हीट हो जाए तो क्या रिबॉल करते हैं? बिल्कुल हीट हो रहा है, सीपीयू को उतार देते हैं। कभी भी बग कैपेसिटर चेक करते हैं? कभी नहीं चेक करते हैं। ठीक है, नॉलेज ही नहीं है सर, कैसे करेंगे। सही बात है, दुकान में ये क्यों नहीं सिखा रहे यार लोग? तो बहुत सारे लोग बोले दुकानों जाओ, दुकानों के तो मैं सेट को ऑन कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा इसका पावर की हम थोड़ी देर तक दबाए रखेंगे, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों सेट ऑन हो गया है, और ये देखिए सेकंड लोगो आ गया है। तो ये आ रहा था क्या साहिब सर? बिल्कुल नहीं आ रहा था सर। सेकंड लोगो में क्या आ रहा था? सेकंड लोगो में जैसे सेकंड लोगो आता था पूरा स्क्रीन फट जाती थी इसकी, फट जाती थी, लाइनिंग आ रही थी, इसके ग्राफिक्स पूरे फट जाते थे इसके। तो हमने तो सीपीयू रिबॉल नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया है ना, ये नॉलेज था हमारे पास है ना, नॉलेज था, वही नॉलेज आपको बता रहे हैं कि आप इसको सीख के देख लो, ये ग्राफिक्स पूरा ओके ठीक है। बैटरी कम है इसमें, यहाँ पर पूरा सेट रनिंग है आपका। आपको ये मैजिक लग रहा होगा, पर बाकी हमारा हर स्टूडेंट जानता है इसको, मैजिक नहीं है। हाँ सही बात है, ये बात आपको मैजिक लग रहा होगा, बाकी हमारा स्टूडेंट हर स्टूडेंट हमारा काम करने के कैपेबल है। चार्जिंग भी ले रहा है यहाँ पर, चार्जिंग भी दिखाओ ठीक है। तो दोस्तों पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अच्छा अभी सीपीयू को दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर से निकाल देता हूँ, तो हम क्या करें इस बार फिर से सीपीयू को हम वो करें रोजिंग करें, और देखें कि सीपीयू हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एसी बंद कर दें थोड़ा प्लीज। तो देखिए सीपीयू पर वापस रोजिन डाल देते हैं, नीचे दिखाओ सीपीयू पर वापस रोजिन डाल देते हैं, ये बताने के लिए कि भाई सीपीयू हीट हो रहा है कि नहीं। पता ना आप तो बोले सर सेट तो चालू हो गया, पर सीपीयू हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। तो देखिए सीपीयू पे डाल दिया है ठीक है, यूज करेंगे वापस, हीट तो नहीं होना चाहिए बराबर। क्यों? क्योंकि हीट करने वाले जो कैपेसिटर हैं वापस लग गए, वापस लग गए। तो पहले थोड़ा चला लेते हैं, उसके बाद में सेम सीपीयू को देखेंगे रेटिंग।
दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सीपीयू हीट हो रहे हैं तो डायरेक्ट सीपीयू पे काम मत करो, और ये भी चेक करो कि आप कहाँ कहाँ तक काम कर सकते हो, सीपीयू से क्या क्या जुड़ा हुआ है, क्या कोई फिल्ट्रेशन है। ऐसे हर आईसी में एक फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम आउटसाइड लाइन कहते हैं, सो ये चीज आपको पता होगी। और यहाँ पे दिखाइए, तो देखिए मैं थोड़ा सा फोन चला लेता हूँ, उसके बाद में फिर चेक करूंगा कि मेरा सीपीयू हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा देखिए लाइट को भी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए लाइट को बढ़ा दिया, कम कर दिया, तो ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इतना चला लिया, इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। पहले हमारा सीपीयू इतने में हीट हो गया था, हालांकि हमारा तो ये आ ही नहीं रहा था। अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो देखिए, तो सीपीयू आपका हीट नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। अगर हीट होता तो अब तक यहाँ पर क्या होता, रोजिंग मेल्ट हो जाता, रोजिंग पूरा मेल्ट हो जाता, काला सीपीयू काला दिखने लग जाता। देखिए और अभी आप देखिए आपका सीपीयू बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पर आप पूरा चलाइए, प्ले स्टोर ओपन कीजिए जो ओपन करना है, यहाँ पे कैमरा ओपन कीजिए, कैमरा लगा नहीं हालांकि, तो जो भी ओपन करना है आप ओपन कीजिए, लाइट को बढ़ा लीजिए, ये देखिए लाइट को फुल कर दिया मैंने, आप देखिए सीपीयू इसका। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप सीपीयू को उतार रहे हैं भाई, आप एक बोर्ड का सीपीयू निकाल रहे हैं, सो डायरेक्ट बोर्ड का सीपीयू पे काम कभी मत करो अगर आपको अकल नहीं है और आपको नॉलेज नहीं है। और YouTube के वीडियो से बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत सारी चीजें जो मैंने नहीं बताई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं। बिल्कुल हाइट करके चलते हैं हम लोग, हम उसको हर क्या है, हर चीज को खोल के नहीं बता सकते। नहीं हाइट क्या है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ दो चार चीज पैकेट लेके घूम रहे हैं नॉलेज का, ये भंडार है और ये अनगिनत है, ये अपडेट होता रहेगा जीवन में। आपको नॉलेज चाहिए, आपको लगेगा कि हम दो चार चीज बता देंगे हम खाली हो जाएंगे, तो ये हम वैसे नहीं है, हमने वैसे लोगों को पढ़ाकर मार्केट में छोड़ा, वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, देवता अग्रवाल की बात। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने का, और आशा करता हूँ कि आपको पता चला होगा ये सारी चीज। और एक बार वो वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ, नोटिस कीजिएगा, देखिए सो 1.4 वोल्टेज वहां पे आना चाहिए स्टेबल, यहाँ पर यहाँ दिखाइए, ये देखिए ये 7 नंबर की पिन, आप यहाँ पर सॉरी 7 बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये यहाँ पर हम इसको चेक करेंगे 6 नंबर की पिन पे हम चेक करेंगे, तो 6 नंबर की पिन पे हमें 1.4 वोल्टेज मिलना चाहिए, या तो वो हमें कॉइल के थ्रू मिलना चाहिए, देखिए कॉइल। और ये वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर है जिसे पॉइंट्स इस वोल्टेज फीडबैक के रूप में पिन नंबर 2 को जा रहे होंगे, तो यहाँ पे दिखाइए, देखिए तो क्योंकि वो रजिस्टर निकले हुए थे, यहाँ दिखाइए मल्टीमीटर, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं देखूंगा तो सबसे पहले पिन नंबर 2 पे मुझे 0.6 वोल्टेज मिलेंगे, देखिएगा देखिए 0.6 और 6 नंबर पे मुझे मिलेंगे आपके, बेसिकली मुझे वी आउट मिलेगा, मतलब 1.4 वोल्टेज मिलेगा, जो 4 पे भी मिलेगा 6 पे भी मिलेगा, तो 4 पे भी चेक कर लेता हूं, देखिए 1.2 स्टेबल, पहले फ्लक्चुएट हो रहा था, कॉइल पे भी देख लीजिए, अगर कॉइल पे दिखा सकूं, देखिए 1.2 और 6 नंबर पे भी मिलेगा, तो 4 5 5 और 6 देखिए 1.2। तो देखो मैंने आपको सारे वोल्टेज बता दिए और VS2 की लाइन समझा दी, अगर आपको और प्रॉपरली समझना है, डीप लेवल पे मीडियाटेक का बूट सर्किट समझना है, बक से भी कुछ ऊपर समझना है, तो हमारे पास आइएगा, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, और ये दिमाग में रखना कि खाली होकर आना, और तुम तुम्हें थ्योरी तो मिलेगी और उससे सरप्लस तुम्हें प्रैक्टिकल मिलेगा, वो ट्रिकें मिलेंगी जो आपने कभी नहीं सोची हैं और जिससे आपका काम आसान होगा, और ध्यान रखना कमाई डबल होगी। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाली